राम दोस्तों, आर एन डी स्टील चमक में थारा सबको बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो में थाना सैमसंग गैलेक्सी A7 की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन आए ट्रिपल कैमरा के साथ, यानी पीछे तीन कैमरा थाना देखने के लिए मिल रहे हैं। इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहे, फीचर वगैरह बॉक्स पर दे रहा है। और फुल मतलब 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 24 मेगापिक्सल रियर कैमरा, पीछे तीन कैमरा है। तो वे भी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वे थाने सब चीज़ें बता देगा। पहले वो फ़ोन थाने देखने के लिए मिल रहे हैं, चालू करके मैं रख रहा हूँ। तो फ़ोन काफ़ी शानदार है और वो फ़ोन देखा हुआ तो लुक वाइज काफ़ी मस्त है। फ़ोन के बारे में तो बात करी से, फ़ोन ने रख लिया साइड में, बाकी देखा बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें आए। तो पहले बॉक्स कंटेंट देख ले। तो बॉक्स में तो क्योंकि स्टार्ट गाइड वगैरह अपन देखने मिल रही है। आ एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जैसी, या अपने ईयरफोन देखने के लिए मिल जैसी, यहाँ का जगह थे गाना वगैरह सुनो आराम से। और ये चार्जर एक देखने के लिए मिल सी। तो बाकी तो आ एक सिम इजेक्टर टूल है, एक मदद से सिम ट्रेन बाहर निकाल चेक कर लेंगे। तो बाकी एड दे चार्जर की रेटिंग दे रही है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर को, अपने वो करीब चार्जर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चार्जर की रेटिंग की बात होगी, ये सब चीज़ें बॉक्स की बात होगी। मेन तो अपनों फ़ोन अपन कैम वही देख रहे हो जी, मैं कैमरा ट्रिपल कैमरा देखने के लिए अपन मिल रहा है। और सैमसंग को फ़ोन है तो सैमसंग की ब्रांडिंग और लुक वाइज देखो था ना, पीछे से ग्लॉस बॉडी फिनिश देखने के लिए मिल सी एकदम से। तो फ़ोन काफ़ी शानदार है, तो इन आप कर ले वहाँ एक बार। मैं फिंगरप्रिंट और फेस सब लगा रखे हूँ, तो ये देखो एकदम आराम से खुल जी। तो फ़ोन के बारे में पहले थाने पूरी डिटेल दे दी के बारे में। 6 इंच की तो आ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जैसी कि हमारे थाने 6.0 इंच की डिस्प्ले, जो कि अपन सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने के लिए मिल सी। तो मां थाने फुल एचडी डिस्प्ले देखने के मिल जाए तो बढ़िया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मतलब थे समझो ही हो थान भेरो या कितनी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले आओ, तो बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जैसी। इसके अलावा अपन ऊपर की तरफ देड़ो है ईयर स्पीकर देड़ो है, सागे अपन देड़ो है 24 मेगापिक्सल को फ्रंट कैमरा। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ आप देखेंगा तो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट अपन देड़ो है, 28 स्पीकर देड़ो है, माइक वगैरह भी देड़ो है, सारी चीज़ें है। 3.5 mm ऑडियो जेक है, 18 अपन देड़ो है सिम ट्रे। इनमें देखा आप निकाल इन्हें 12 के इनमें कत्ती सिम गल है, कितना मेमोरी कार्ड भी अलग सा गल है उन गल है, या 2 सिम ही गल है। तो और सिम ट्रे निकाली 12। और अब बढ़िया चीज़ है देखो, अपन 2 सिम के अलावा मेमोरी कार्ड भी मत है डाल कर, एक स्टोरेज बढ़ा सको और कत्तो भी मूवी वगैरह देख सको। अटे सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन एक माइक देड़ो है। एक अलावा राइट साइड थे देखोगा तो पावर ऑन ऑफ बटन अपन देड़ो है, अठे वही फिंगरप्रिंट सेंसर को काम करे। एक अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन किए बटन देट है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर चला दिखा दे। देखो मैंने लगा ही रखी हूँ, दबा चुना तो वो लॉक होगा। और जरा सा टच कर सू ना, देखो मैं अंगूठो ही लगा रखी हूँ फिंगरप्रिंट की जगह, तो वो फिंगरप्रिंट सेंसर वही काम करा अपनों बढ़िया से अनलॉक कर देवे। तो इन दबा दिए वापस। बाकी के अलावा अपन ट्रिपल कैमरा में पीछे की तरफ देखने के लिए मिला, आज शानदार चीज़ है। तीन कैमरा यानी तीन कैमरा मतलब क्यों, 24 मेगापिक्सल को तो मेन कैमरा है, बस अपन ने 5 मेगापिक्सल को कैमरा मिला डेप्थ सेंसिंग के लिए थे, पोर्ट्रेट वगैरह ब्लर वगैरह थाने करना है तो बढ़िया ही कमाए काम आ जैसी। 8 मेगापिक्सल को जो कैमरा मिला वो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, यानी थे फोटो खींचो तो बिग के अलावा थाना और एरिया कवर कर ले। तो वह चीज़ भी अपन देखने के लिए मिल जैसी, भी को सैंपल में दिखा देसी बार थाने। इसके अलावा अगर ये फ़ोन की और बात करना तो लुक एंड डिजाइन को काफ़ी शानदार है, बढ़िया लुक एंड डिजाइन है। बाकी फ़ोन के बारे में और जानना है तो इन्हें करें अनलॉक, वो सेटिंग मेन्यू में चला आप अबाउट फोन सेक्शन में जाना, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन लेवा। तो एंड्रॉयड वर्जन 8.0.0 देखने के लिए मिल रहा है, यानी एंड्रॉयड ओरियो लेटेस्ट आपने कमाए देखने के लिए मिली जैसी। इसके अलावा सैमसंग को जो एक्सपीरियंस वर्जन है वो 9.0 देखने के लिए मिल रहा है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज लेवल वो सितंबर का महीना को है। जो ये कमाए अगर बात करें आप कमाए बिगी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपने मिला सैमसंग को Exynos 7885, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को 636 या 660 रे प्रोसेसर आया करें ना, का बराबर मान लो तो बढ़िया परफॉर्मेंस में देखने के लिए आपने मिल ली जैसी। एक अलावा आपने चेक करना पड़ सी भाया एक हमारे रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो एक हमारे थाना 4 GB की रैम मिल रहा है। 4 GB की रैम में से थाना देखो कत्तो फ्री मिले कि हमारे 2.5 GB अपने के हमारे फ्री मिल जाए। सागे ही में स्टोरेज अब 64 GB को मिल रहा है, तो थे भी ना डेडिकेटेड एस टी कार्ड स्लॉट बार थाना दिखाई हो बिक थ्रू थे कि स्टोरेज वगैरह बढ़ा सकूँ। तो 64 GB में से 14.1 GB वो यूज़ कर रखे बार, तो काफ़ी 49 GB 50 GB अपने फ्री मिल जाएगा हमारे। तो वो फ़ोन ओवरऑल की प्राइस की बात करना तो 23,990 रुपये है, लेकिन सैमसंग का ब्रांडिंग के साथ 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 24+5+8 मेगापिक्सल का तीन कैमरा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये सब चीज़ें बढ़िया फ़ोन शानदार फ़ोन है। तो आर एन डिजिटल पर संपर्क करके पूछ सको इसके बारे में, फ़ोन के बारे में। बाकी एक फोटो लेर था दिखा दिया देखो, वो है ट्रिपल कैमरा को निशान सुहारियन है। तो इस फोटो ले तो मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल वो काम कर सी 30 रो कैमरो मुख्य यहाँ कर सी। यहाँ देखो मान लो आ फोटो है, मैं लेर दिखाऊँ तो आ फोटो एक ही लेवा आप, तो एक ही फोटो आ ले तो खाली हो तो
अब तो ये एरिया कवर आ सी। अब मैंने अल्ट्रा वाइड के मैं तीसरा पे कर दी मैं, तो देखो पूरा एरिया कवर हो जी सी। तो मैं थाने सैंपल ले दिखा दूँ और सैंपल कंपेयर करके दिखा दूँ। वो तो देखो पूरा कवर होगा ना बर्डर तक आगे तक को, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल में लेडियर वो खाली अतो ही एरिया कवर हो, अतो ही दिख रही है ना अपन है भाई। सेम पोजिशन में वो लेड हो तो पूरा कवर होगा, मतलब पूरा एंगल आस पास को एरिया कवर कर लेते हैं। 360 होना भैया, वो भी 120 या कितना डिग्री पर कोई एंगल को कवर करे, 120 180 मैंने कन्फर्म उन बिरो। लेकिन हाँ बढ़िया है, मतलब अच्छी चीज़ अपन देखने के लिए कमाए मिल जाए। बाकी फ़ोन में ओवरऑल बढ़िया था ना, एकदम मोड वगैरह देखने के लिए मिल सी। कैमरा का काफ़ी शानदार ही को कैमरा है, तो फोटो सैंपल थे पूरो ही को जो रिव्यू लेना है तो आर्यन डिजिटल संपर्क कर थे चेक कर सको ये फोन ने। तो फोन काफी शानदार है, प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग को ब्रांडिंग अपन देखने के लिए मिल रही है, बढ़िया सैमसंग को फोन है। तो बाकी हमारे फेस अनलॉक भी है, वो भी मैं चेक करा दूँ। तो फेस अनलॉक जो मैं लगा रखे हूँ तो एकदम शाम ना करूंगा तो देखो अनलॉक होगा, तो फेस अनलॉक भी को बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो फोन ओवरऑल काफी अच्छा है फोन है, थाने बढ़िया परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिल सी। बाकी थे मैंने कमेंट कर बताओ थाने क्या को लागो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और फोन पसंद आए तो आर्यन डिजिटल पर संपर्क कर खरीद सको। चैनल ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए तारा बहुत बहुत धन्यवाद।